क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक अच्छा कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिन से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में पेडियम ओडीआई ट्रॉफी का दूसरा ओडीआई मुकाबला, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम, क्योंकि इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज के नए कप्तान निकोलस पुरन ने रोहित शर्मा के खिलाफ टॉस जीता। दोस्तों अपने पहले ही मुकाबले में निकोलस पुरन ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में भारत की तरफ से रोहित शर्मा तो सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इस बार उनके साथ ऋषभ पंत आक्रामक बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज बनकर आ गया अचानक भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा के साथ, जो चौंका देने वाली बात थी। ऐसे में भारतीय टीम की शुरुआत की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही, जहां के पहले सलामी बल्लेबाज और भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा रोज की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और पीछे विकेट कीपर ने इनकी कैच पकड़ी और रोहित शर्मा मात्र 5 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते हुए रोज की गेंद पर शाई होप को अपनी कैच देकर आउट हो गए। उनके बाद नए सलामी बल्लेबाज ऋषभ पंत भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओडियन स्मिथ की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। शॉर्ट गेंद थी, बल्ले को लगी और नीचे आगे गेंद के जेसन होल्डर और यहीं पर ऋषभ पंत की बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। 200 ऋषभ पंत मात्र 18 रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए थे, 200 बड़ी उम्मीद इनसे भी थी, लेकिन ये अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। ओडियन स्मिथ की जाती हुई गेंद को एक और बार खेल बैठे कवर ड्राइव, विराट कोहली बल्ले का हल्का सा एज लगा, गेंद गई शाई होप विकेट कीपर के हाथों में। एक और बार कवर ड्राइव के चक्कर में अपनी विकेट गवा बैठे विराट कोहली और मात्र 18 रन बनाकर 30 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। दोस्तों यहीं पर 3 विकेट गिर चुके थे। उनके बाद केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव आए बल्लेबाजी करने के लिए, दोनों ने पारी को बेहतरीन तरीके से संभाला। केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो रही थी, लेकिन तभी केएल राहुल रन लेने के चक्कर में अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें, शाई होप के हाथों अकील हुसैन ने उन्हें 49 रन पर रन आउट करा दिया इस तरीके से, और केएल राहुल मात्र 1 रन से चूक गए और अपना अर्धशतक नहीं बना पाए। दोस्तों यहां भारतीय टीम की 4वीं विकेट गिरी। ऐसे में उनके बाद सूर्य कुमार यादव बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे और इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन जब वो तूफानी बल्लेबाजी कर 64 रन तक पहुंच चुके थे तो फैबियन एलिंगर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद के नीचे जोसफ आ गए और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव की भी पारी 64 रन पर समाप्त हो गई। दोस्तों उनके बाद अकील हुसैन ने 24 रन पर खेल रहे वॉशिंगटन सुंदर की विकेट निकाली, इनकी कैच अल्जरी जोसफ ने पकड़ी और 24 रन पर सुंदर भी आउट हो गए। उनके बाद ऑलराउंडर दीपक हुडा बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 29 रन बनाकर होल्डर की इस गेंद को अकील हुसैन को अपनी कैच से बैठे और 29 रन बनाकर दीपक हुडा भी आउट हो गए। उनके बाद लॉर्ड शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन उनको भी अल्जरी जोसफ ने मात्र 8 रन पर आउट करा दिया श्रुप ब्रूक्स के हाथों। उनके बाद सिराज आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी जोसफ की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और विकेट कीपर शाई होप ने उनकी कैच पकड़ी। 3 रन बनाकर सिराज भी अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। इसी के साथ साथ भारतीय टीम ने पूरी तरीके से अपने बल्लेबाजों को खो दिया था, जहां शुरुआत में ही पूरे बल्लेबाज आउट हो गए थे, लेकिन मध्य क्रम में सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल के बीच में जो साझेदारी हुई थी वो काबिले तारीफ थी, जिसके चलते भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 50 ओवर में 237 रन लगा दिए थे 9 विकेट खोकर और अपने टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम मैदान पर। 200 वेस्ट इंडीज को पहला झटका लगा ब्रैंडन किंग के रूप में, जो इस गेंद को प्रसिद्ध कृष्णा की पढ़ नहीं पाए और पीछे खड़े विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इनकी कैच पकड़ी और ब्रैंडन किंग मात्र 18 रन बनाकर कृष्णा की गेंद पर पंत को अपना कैच दे बैठे। उनके बाद डैरन ब्रावो इस तरीके से कृष्णा की गेंद पर आउट हो गए। 200 हालांकि डैरन ब्रावो ने रिव्यू लिया, लेकिन रिव्यू में एज नजर आया, जिसके चलते रिव्यू भी गया और डैरन ब्रावो 1 रन पर कृष्णा की गेंद पर पंत के हाथों आउट हो गए। उनके बाद एक और बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। सेट बल्लेबाज शाई होप भी युजवेंद्र चहल को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सूर्य कुमार यादव को अपनी बड़ी कैच दे बैठे और यहीं पर 27 रन बनाकर सलामी बल्लेबाज शाई होप चहल की गेंद पर आउट हो गए। तो उनके बाद एक और बड़ी विकेट पूरन के रूप में मिली। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को इस पढ़ नहीं पाए निकोलस पूरन कप्तान, में खड़े रोहित शर्मा कप्तान ने उनकी कैच पकड़ी, कप्तान को कप्तान ने आउट किया। निकोलस पुरन मात्र 9 रन बनाकर कृष्णा की गेंद पर रोहित शर्मा को अपनी कैच देकर आउट हो गए। तो उनके बाद होल्डर भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए, ठाकुर की इस गेंद को खेलने के चक्कर में नीचे खड़े दीपक हुडा को अपनी कैच दे बैठे जेसन होल्डर और अच्छी फॉर्म में चल रहे होल्डर मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों यहीं पर भारतीय टीम ने कई बड़े विकेट से ले लिए थे, लेकिन उसके बाद एक और बड़ी विकेट गिरी भारतीय टीम के हाथों वेस्ट इंडीज की। शर्मा ब्रूक्स जो की अच्छी लय में नजर आ रहे थे 44 रन लगा चुके थे, दोस्तों वो दीपक हुडा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, गेंद के नीचे सूर्य कुमार यादव आ गए और हुडा ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट की पहली विकेट निकाली। 44 रन पर ब्रूक्स गए वापस। दोस्तों उनके बाद एक और बड़ी विकेट मिली एलन के रूप में, जो इस गेंद को पढ़ नहीं पाए ठाकुर की और पीछे खड़े ऋषभ पंत ने उनकी तूफानी कैच पकड़ी। उनके बाद एक और बड़ी विकेट गिरी, जहां फैबियन एलन तो 13 रन बनाकर सिराज की गेंद पर पंत
को अपनी कैच दे, बट दूसरे एंड से अकील हुसैन को काफी बुरी तरीके से आउट किया ठाकुर ने। ठाकुर की शॉर्ट गेंद को पढ़ नहीं पाए वो और नीचे आ गए गेंद के ऋषभ पंत, दौड़कर डाइव मारकर शानदार कैच को कंप्लीट किया और अकील हुसैन मात्र 34 रन बनाकर ठाकुर की गेंद पर आउट हो गए। दोस्तों इनके बाद ओडियाई स्मिथ 24 रन बनाकर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वॉशिंगटन सुंदर को, नीचे विराट कोहली को अपनी कैच दे बैठे। दोस्तों भारतीय टीम की जीत का कांटा बन रहे थे लेकिन सुंदर ने 24 रन पर आउट करा दिया। अब आखिरी विकेट थी वेस्ट इंडीज की और वो भी प्रसिद्ध कृष्णा ने इस तरह से LBW आउट करा दिया कीमा रोच को और अंपायर ने इसे आउट भी दे दिया, जिसके चलते भारतीय टीम ने ऑल आउट करा दिया वेस्ट इंडीज को 153 रन पर और 44 रन से भारतीय टीम ने शानदार मुकाबला जीता और यह सीरीज को अपने नाम कर लिया है 2-0 से। ऐसे में भारतीय टीम की जीत काफी ज्यादा शानदार रही और रोहित शर्मा की कप्तानी भी लाजवाब रही। दोस्तों आप भारतीय टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएगा। दोस्तों शुरू होने वाला है भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में दूसरा वनडे मुकाबला, जहां पहला ओडीआई मुकाबला भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार तरीके से जीता था और इस सीरीज में 1-0 से आगे बढ़ चुकी। मैं कुछ ही देर में शुरू होने वाला है भारत और वेस्ट इंडीज का दूसरा ओडीआई मुकाबला। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों आप सभी को बता दें वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम का तगड़ा प्रदर्शन रहा, जिसके चलते भारतीय टीम में ज्यादा बड़े बदलाव नहीं होंगे। लेकिन आज सुबह की रिपोर्ट्स के मुताबिक वापसी से नेट्स में KL राहुल की वापसी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, उनका क्वारंटाइन पूरा हो चुका है और विराट कोहली के साथ साथ अब मयंक अग्रवाल, KL राहुल भी टीम में नजर आ सकते हैं, तो भारतीय टीम में दो बड़े बदलाव होने की पूरी संभावना है। तो वही नवदीप सैनी गेंदबाजी भी करते हुए नजर आए लेकिन वो टीम में शामिल नहीं होंगे क्योंकि खुद राहुल द्रविड़ उन्हें कोच कर रहे हैं, तो अभी उन्हें आने टाइम लगेगा। दोस्तों युजवेंद्र चहल की जगह टीम में पक्की है क्योंकि पिछले मुकाबले में उन्होंने 4 बड़े विकेट निकाले। ऐसे में राहुल द्रविड़ की कोचिंग में भारतीय टीम काफी बेहतरीन तरीके से चल रही है और अब तो विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच में कुछ अनबन भी नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते भारतीय टीम का बैलेंस पूरी तरह से बेहतरीन चल रहा है और वहीं वॉशिंगटन सुंदर भी एक ऑलराउंडर के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते भारतीय टीम के पास अब KL राहुल की भी वापसी हो रही है। साथ ही साथ उनके साथ ईशान किशन भी टीम में है और रोहित शर्मा के साथ अब KL राहुल भी अगर आते हैं तो ईशान किशन मध्य क्रम में फिट हो जाएंगे, जिसके चलते भारतीय टीम में और मजबूती आएगी। अगर बात करें मयंक अग्रवाल की तो इनकी जगह फिक्स होना भारतीय टीम में थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि भारतीय टीम के पास ओपनिंग के ज्यादातर ऑप्शंस हैं, क्योंकि ईशान किशन है, रोहित शर्मा है, KL राहुल है और मयंक अग्रवाल है, ये चारों ही बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज हैं। ऐसे में भारतीय टीम के लिए चारों बल्लेबाजों में से दो बल्लेबाज चूज करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, जबकि नंबर 3 की पोजीशन के लिए विराट कोहली फाइनल है। नंबर 4 की पोजीशन के लिए सिर्फ और सिर्फ सूर्य कुमार यादव को आज के टाइम पे देखा जा रहा है, तो गेंदबाजी क्रम को संभालेगी युजवेंद्र चहल। दोस्तों आप सभी को बता दें 80% भारतीय टीम दूसरा वनडे मुकाबला जीत सकती है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी टीम ओडीआई मुकाबला जीत पाएगी, इसका जवाब हमें एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे मुकाबला समाप्त हो चुका है। रोहित शर्मा की कप्तानी बेहतरीन रही, जहां भारतीय टीम ने मुकाबला 6 विकेटों से जीत लिया। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी, रोहित शर्मा की कप्तानी शानदार रही, लेकिन दोस्तों आप रोहित शर्मा की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समरी की बात करें तो इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी वेस्ट इंडीज की टीम और वेस्ट इंडीज की टीम ने अपने निर्धारित 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाए और वेस्ट इंडीज की टीम मात्र 176 रन पर ही ऑल आउट होकर रह गई थी। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी थी भारतीय टीम की तरफ से किशन और रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई थी। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इस जीत में भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा का कितना योगदान रहा, उन्होंने बल्ले से भी कारनामे किए और साथ ही साथ कप्तानी से भी कारनामे किए। दोस्तों आइए रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने 60 रनों की तूफानी पारी खेली थी सिर्फ 51 गेंदों में। दोस्तों आप सभी को बता दें ये अर्धशतक मामूली अर्धशतक नहीं था रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें रोहित शर्मा ने अपनी इनिंग में सिर्फ एक ही छक्का लगाया, जो ये छक्का था वो भी बाउंसर गेंद पर। जी हां दोस्तों, ये बाउंसर गेंद था, इसे टक्कर कर खेला रोहित शर्मा ने और गेंद को पहुंचाया सीधा अंतरिक्ष में। रोहित शर्मा ने 10 चौके लगाए अपनी इनिंग में और एक तूफानी छक्का लगाया। दोस्तों आप सभी को बता दें इस रिस्क को लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, उन्होंने अपना अर्धशतक इस मुकाबले में काफी ज्यादा रिस्क लेकर पूरा किया, जिसके लिए खुद विराट कोहली ने भी तालियां बजाई और पूरे डगआउट में उनकी सराहना हुई। दोस्तों ये काम किया था रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को चेस के वक्त। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें जब वो 60 रन पर खेल रहे थे तब भी उन्होंने रिस्क लिया, सामने के शॉट्स खेले, बेहतरीन बल्लेबाजी की, लेकिन इस गेंद को पढ़ नहीं पाए जर्री जोसेफ की। हालांकि रोहित शर्मा को LBW आउट दिया गया अंपायर द्वारा, लेकिन उन्होंने रिव्यू लेने का फैसला किया। गेंदबाज की नजर सिर्फ रोहित शर्मा के ऊपर थी, लेकिन जब थर्ड अंपायर ने देखा तो गेंद विकेटों को लग रही थी, जिसके चलते रोहित शर्मा को सच में पवेलियन से जाना पड़ा। लेकिन तब तक उन्होंने 60 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी, 176 रन बनाने थे भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए, जिसमें से 60 रन खुद रोहित शर्मा ने ही लगा दिए थे, तो लगभग आधी टीम को अकेले रोहित शर्मा ने जीता
बना दिया था। दोस्तों आप रोहित की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता। दोस्तों आप रोहित शर्मा की इस पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में पहला वनडे मुकाबला। दोस्तों पहला वनडे भारतीय टीम के लिए आसान रहा जहां भारतीय टीम ने 6 विकेटों से वेस्ट इंडीज की टीम को हरा दिया है और इसी के साथ इस ओडीआई सीरीज में एक और शून्य की बढ़त भी बना ली है। रोहित शर्मा की कप्तानी का खाता काफी बेहतरीन तरीके से खुला। अपने 1000वें ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन दोस्तों मैच में एक ऐसा पल आया जहां आमने सामने आए विराट कोहली और रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, नए कप्तान और पुराने कप्तान आमने सामने आए। तो ये बात है वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी की, जब ब्रूक्स बल्लेबाजी करने आए वेस्ट इंडीज के बेहतरीन बल्लेबाज और भारतीय टीम के युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करने आए और मैच का ये तूफानी ओवर चल रहा था। 21 ओवर की 34 गेंद युजवेंद्र चहल ने इस तरीके से ब्रूक्स को फेंकी जैसे कि आप देख सकते हैं। 200 ब्रूक्स इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और गेंद हल्का सा एज लेकर गई दस्तानों में विकेट कीपर के हाथों में। ऐसे में अंपायर को लगा कि एज नहीं लगा है और अंपायर ने नॉट आउट दिया युजवेंद्र चहल ने अंपायर की, फिर भी अंपायर ने नॉट आउट दिया। ऐसे में युजवेंद्र चहल ने कप्तान रोहित से अपील की कि क्या इसे डीआरएस लें। ऐसे में अब रोहित शर्मा को समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। सभी लोग यही डाउट में थे कि कहीं एज लगा है या नहीं लगा है, अगर एज नहीं लगा है तो ये रिव्यू वेस्ट हो जाएगा। ऐसे में विराट कोहली आए रोहित शर्मा के पास, उन्होंने बताया गेंद नीचे थी, अगर बल्ले का थोड़ा सा भी एज लगता है तो बल्लेबाज आउट हो सकता है, तो आप इस गेंद पर रिव्यू ले सकते हैं। तो उसके बाद विराट कोहली की इस बात को सुनकर रोहित शर्मा ने रिव्यू लेने का फैसला किया। मैं रोहित ने रिव्यू लिया, थर्ड अंपायर के पास डिसीजन गया और थर्ड अंपायर के पास ये क्लियर हो गया कि एज बल्ले का लगा है और जब जाकर अंपायर ने अपने नॉट आउट डिसीजन को पूरी तरह से आउट करार दिया। जी हाँ दोस्तों, नॉट आउट को अंपायर को आउट करना पड़ा क्योंकि बल्ले का बड़ा सा एज लगा था जो अल्ट्रा एज में आ गया। ऐसे में विराट कोहली कप्तान तो नहीं थे लेकिन उन्होंने कप्तानी वाला काम किया। दोस्तों इस चीज से ये बात तो साफ है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं है। सोशल मीडिया पर जो बातें चलती हैं वो बेबुनियाद है। दोस्तों आप इन दोनों की दोस्ती को 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें, कायरन पोलार्ड ने वेस्ट इंडीज की कप्तानी की कमान संभाली थी, तो वहीं विराट कोहली के होते हुए रोहित शर्मा ने भारतीय टीम की कप्तानी की कमान संभाली थी। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीता गेंदबाजी का निर्णय लिया था और ये कारगर साबित हुआ उनका डिसीजन और भारतीय टीम ने शानदार तरीके से मुकाबला जीता भी अंत में 6 विकेटों से। लेकिन दोस्तों मैच में मजा तब आया था भारतीय टीम 177 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी वेस्ट इंडीज के। ऐसे में रोहित शर्मा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, मुकाबले में रोहित शर्मा ने 60 रनों की तूफानी पारी खेली थी। दोस्तों मैच में मजा तब आया तब मुंबई इंडियंस के दो खिलाड़ी आमने सामने आए, यानी कि कायरन पोलार्ड और रोहित शर्मा। ऐसे में मजा तब आया जब ये दोनों आमने सामने आए और आमने सामने इन दोनों की तकरार हो गई। दोस्तों रोहित शर्मा ने अपनी पारी में सिर्फ एक ही छक्का लगाया और 10 चौके लगाए। ऐसे में रोहित शर्मा के इस तूफानी छक्के को देखकर खुद कायरन पोलार्ड भी हैरान हो गए। जी हां दोस्तों, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई रोहित शर्मा की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर, क्योंकि दोनों ही मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं, दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी है। ऐसे में रोहित शर्मा की ऐसी